इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। आज अमित शाह से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। नतीजों से पहले नीतीश की अहम मुलाकात मानी जा रही है। कल पटना से दिल्ली पहुंचे थे नीतीश कुमार और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि आज ही अमित शाह से भी मुलाकात होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जब नीतीश कुमार निकले, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो नीतीश कुमार कल ही दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात की और वहां से वो निकले, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। तो नतीजों से पहले मुलाकात के क्या है मायने समझने के लिए एक बार फिर से आमोद राय का मैं रुख करना चाहूंगी। आमोद, प्रधानमंत्री मोदी से यह मुलाकात और उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात होनी है, क्या मायने इसके? देखिए, कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और ये आज पहली मुलाकात उनसे उनकी प्रधानमंत्री से हो रही है और आज देर शाम 4 बजे के करीब अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। और ये माना जा रहा है कि बिहार में जो बनती बिगड़ती राजनीतिक परिस्थितियां हैं और वहां के जो राजनीतिक समीकरण है, उसके मद्देनजर और क्या क्या बेहतर किया सकता है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का सेहत उतना उनका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कोई नई राजनीतिक समीकरण या नई कोई व्यवस्था बिहार में बन सकती है क्या? हालांकि उसके ऊपर कोई भी अभी बोलने को तैयार नहीं है, प्री मैच्योर ये कहना, लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बीच बीच में सवाल जिस तरह से खड़े होते रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार स्वयं से नहीं चाहते हैं कि अब आगे वो कंटिन्यू करें? इस मुद्दे पे भी चर्चा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में है। हालांकि मुद्दा क्या है प्रधानमंत्री से मुलाकात का और उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात का, इस पे अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये सब बातें चर्चा में जरूर है कि नीतीश कुमार का इस समय में मिलना क्या कारण हो सकता है, क्योंकि दूसरे किसी घटक दल को नहीं बुलाया गया, एनडीए के दूसरे कोई घटक दल अभी नहीं आ रहे हैं मिलने और नीतीश कुमार इस तरफ आए हैं, तो कोई खास वजह रही होगी इसके लिए आए हैं। तो देखना होगा कि क्या आगे की रणनीति रहती है बीजेपी की और नीतीश कुमार की। इस पूरे नजर बनाए रखिएगा। आमोद राय जी, दोबारा आपका रुख करेंगे किसी भी और अपडेट के लिए।